हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। होंडा न्यू अमेज, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर की गाड़ी है और हमारे पास आई है फुल मॉडिफिकेशन के लिए। पूरा काम है इसका और मैं आपका होस्ट पीयूष लेकर चलता हूं अमेज की फुल मॉडिफिकेशन की तरफ और अपने चैनल ऑटोबॉडी द होलसेल कार एक्सेसरीज के माध्यम से, जहाँ नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोज़ लेके मैं टाइम टू टाइम आपके पास इस चैनल के माध्यम से आते रहता हूँ। तो आज बारी है होंडा न्यू अमेज की फुल मॉडिफिकेशन और शुरुआत करते हैं फ्लोर लेमिनेशन, जो कि ऑन प्रोसेस है। फ्लोर लेमिनेशन करने से पहले सीट को बकायदा ड्राइवर को ड्राइवर सीट को निकाल कर साइड कर दिया गया है। और चूँकि ये गाड़ी आई थी तो काफ़ी डस्टिंग गंदगी भरी पड़ी थी, जिसको वैक्यूम क्लीनर की मदद से सफाई करते हुए हमारे स्टाफ टेक्नीशियन, और उसके बाद फ्लोर लेमिनेशन होगी। तो आप बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो इस चैनल पर नए आए हैं, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। फिलहाल आप देख रहे हैं फ्लोर लेमिनेशन का प्रोसेस होते हुए होंडा अमेज में, तो आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखेंगे कि पूरी तरह से साफ सफाई करते हुए हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं। फ्लोर लेमिनेशन को यूज़ करने से पहले कारपेट एरिया को पूरी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार लेमिनेशन लग जाने के बाद पूरे कारपेट एरिया को ये कवर कर लेता है, और अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स ये रह गए तो वो फिर बाद में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए जो है कि आप देख सकते हैं कोने कोने तक की सफाई वैक्यूम क्लीनर और ब्रश की मदद से की जा रही है। पूरे फाइबर पार्ट तक के कोने कोने तक की सफाई हो रही है, आप देख सकते हैं। और आफ्टर क्लीनिंग पूरे कारपेट एरिया को कवर कर लेता है ये लेदराइट मटेरियल। चूँकि वाटरप्रूफ होता है तो काफ़ी आसानी होती है साफ़ सफाई करने में। इवन आप माइक्रोफाइबर का किसी प्रकार का क्लॉथ का यूज़ करके आप डस्ट पार्टिकल से या कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ गिर पड़े हैं अगर, या गिर जाते हैं आपके फ्लोर लेमिनेशन एरिया में, कारपेट एरिया में, तो आराम से आप सफाई कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए पूरी तरह से कारपेट एरिया को क्लीन कर उसके बाद फ्लोर लेमिनेशन का यूज़ किया जाएगा। और ये देखिए ये फ्लोर लेमिनेशन लेदराइट मटेरियल में एक सिंगल पीस मात्र, जो कि पूरे कारपेट एरिया को कवर कर लेता है। और इसी तरह से आप बने रहिए और देखते जाइए फ्लोर लेमिनेशन की फिटिंग प्रॉपर फॉर अमेज। ये प्रॉपर अमेज का ही बन के आता है। उसी तरह से और भी आपके पास जो भी गाड़ियां उसके अकॉर्डिंग कंपनी की तरफ से बन के ही ये आती है। फिलहाल आप देख रहे हैं फ्लोर लेमिनेशन होंडा अमेज की होते हुए।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लर लेमिनेशन होने के बाद ये फाइनल व्यू पूरी तरह से फाइबर को हटा हटा कर अच्छी तरह से इसको फिक्स कर दिया गया है। आज चूँकि वेलप्रो बैक साइड में लग रहा था तो अपने पोजीशन पे जाके पूरी अच्छी तरह से ये फिक्स हो चुकी है और इसके बाद आप देखेंगे कि जो ड्राइवर को ड्राइवर सीट को निकाला गया था उसको बाकायदा अपने पोजीशन पे जाकर फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो एसेसरीज लगने जाएगी उसकी हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और ये आप देख सकते हैं नज़दीक ले जाकर आपको दिखाऊं मैं, तो ये स्टीयरिंग की स्टिचिंग होते हुए स्टीयरिंग कवर भी हमारे पास बहुत सारे रेंज के हैं। एक नॉर्मली एक राउंड टाइप स्टीयरिंग होता है जिसको नॉर्मली पहना दिया जाता है, बट वो टेम्पररी रहता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के बाद वो लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो स्टीयरिंग स्टिचिंग बाकायदा होती है कि वो प्रॉपर शेप ले लेता है और देखने में भी काफ़ी लुक एनहेंस करता है। फ्लोर लेमिनेशन जो हुई थी उसके बैक साइड का मैं व्यू आपको दिखा दूँ, बाकायदा आप देख सकते हैं। आइए वेलप्रो जिसकी मैं बात कर रहा था ये पोजीशन पे जाके कारपेट एरिया के साथ पूरी अच्छी तरह से चिपक जाता है ये। आइए देख सकते हैं आप किस तरह से गाड़ी के इंटीरियर को पूरी तरह से कारपेट एरिया को गाड़ी के इंटीरियर को गंदा होने से डस्ट पार्टिकल से या लिक्विड तरल पदार्थ से बचाएगी। इसलिए फ्लर लेमिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी गाड़ी नई हो या पुरानी हो गाड़ी में फ्लर लेमिनेशन करवाना ही चाहिए, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। और ये सीट कवर जो कस्टमर जो ऑनर हैं इस गाड़ी के होंडा एमएज के, तो उन्होंने इंटीरियर के अकॉर्डिंग सीट को बनाने के लिए ऑर्डर दिया था उन्होंने, तो बहुत ही एक लिमिटेड टाइम लेकर हमने एक प्रीमियम लेदराइट मटेरियल में विद लॉन्ग ईयर्स वारंटी सीट कवर को बनाया है और इंटीरियर के अकॉर्डिंग मैच करवा और इंटीरियर के अकॉर्डिंग मैच करवाकर सीट को तैयार किया है। और इधर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग की स्टिचिंग होते हुए इसी की मैं बात कर रहा था, जो एक राउंड स्टीयरिंग कवर आती है वो टेम्पररी रहती है, कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद वो ढीला पड़ जाता है, लूज फिटमेंट होने लगता है। और ये जो स्टीयरिंग स्टिचिंग हो रही है ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, गाड़ी के लुक को भी काफ़ी एनहांस करता है और आपके हैंड के ग्रिप को भी बनाए रखता है परफेक्टली। कस्टमर के चूज़ किए डिज़ाइन भी इसमें बहुत सारे आते हैं, तो कस्टमर के चूज़ किए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने जो ऑनर हैं एमएज के उन्होंने ये डिज़ाइन पसंद किया, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग स्टिचिंग हो रही है। और ये नज़दीक में से आपको दिखा दूं मैं, रियर बैक बम्पर राउंड टाइप स्टील मटेरियल में विद नेम प्लेट एमएज की नेम प्लेटिंग के साथ बहुत ही प्रीमियम और स्ट्रेंथ क्वालिटी की रियर बम्पर हमने होंडा एमएज में यूज़ किया है। और उसकी रियर बम्पर की अभी पैकेजिंग खोलते हुए ओपन करके मैं दिखाऊंगा, काफ़ी प्रीमियम लुक देगा और गाड़ी के बैक पोर्शन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उसकी काफ़ी ही मजबूत है। इधर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग स्टिचिंग होते हुए और एक तरफ टेक्नीशियन हमारे स्टीयरिंग सीट कवर की भी फिटिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम चलेंगे। और साथ साथ इसमें आर्मरेस्ट भी लगने जाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और भी बहुत सारे काम इसमें हैं अभी। और उसके उसे देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में, आप देख सकते हैं मैं नज़दीक से आपको दिखा दूं। तो मैं इसी की बात कर रहा था, सीट कवर जो कि कस्टमाइज्ड है और कस्टमर के चूज किए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने पसंद किया डिज़ाइन वैसे ही हमने हूबहू बनाकर उनको प्रोवाइड किया है। काफ़ी हमारे जो ऑनर है काफ़ी खुश हुए सीट को देखकर, इसकी फिटमेंट होने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी
खूब पसंद आ रहा है। ये सीट कवर होंडा एमएज की बिल्कुल इंटीरियर से मैचिंग करवाते हुए हमने तैयार किया, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की। और ये रैपिंग हटाने के बाद रियर बम्पर की आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, काफ़ी हैवी मटेरियल, स्ट्रेंथ क्वालिटी काफ़ी ही हैवी और लुक वाइज भी बहुत अच्छा। और इधर आप देख सकते हैं स्टेरिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, लुक वाइज इनहेंस करता हुआ इंटीरियर को। और सीट की फिटमेंट अभी बाकी है, ऑन प्रोसेस है, ऐसे ही बने रही है। और हमारे पास एक बात और मैं बताता चला जाऊँ हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए या जो भी लर्नर्स हैं जो नए वाहन चालक हैं उनके लिए होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। एज ए सिचुएशन एज ए कंडीशन हम होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और जितनी सुविधा हो सके, जितना हमारी तरफ से फेवर हो सके, हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये आप देख सकते हैं होंडा एमएज में कस्टमाइज सीट की फिटमेंट होते हुए, जनरली जो रेडीमेड सीट में इश्यूज आते हैं स्टिचिंग की, बबलिंग की या स्मेलिंग की, ये लेदराइट मटेरियल का सीट कवर जो हम प्रोवाइड करवाते हैं विद लॉन्ग ईयर्स वारंटी, इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं, कोई इस तरह का समस्या नहीं आएगा। और ये देख सकते हैं फिटमेंट होने के बाद फिटमेंट का प्रोसेस ऑन वे है, आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आगे वीडियो में हम देखेंगे आर्मरेस्ट लगते हुए क्रोम फिनिशिंग लाइनिंग में, क्रोम लाइनिंग के टच देता हुआ काफ़ी गाड़ी के लुक को, इंटीरियर को इन्हेंस करता हुआ ये आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं इसकी फिटमेंट होते हुए। सीट कवर लगभग फिट हो चुका है और उसके बाद आर्मरेस्ट लगते हुए होंडा एमेज में। और इसी तरह से हर एक गाड़ियों की मॉडिफिकेशन हमारे सेंटर ऑटोमेटिक द होलसेल कार एसोसिएशन नियर सपना खगोल रोड पटना की जाती है। और पार्किंग की किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आप अपनी गाड़ी को लाएं और खुले में काफ़ी सफिशिएंट एरिया में आपकी गाड़ी में काम किया जाएगा। और यहां आप देख सकते हैं हार्वेस्ट लगने के बाद, ये आप देखिए हार्वेस्ट की फुल फिटमेंट आपके सामने है होंडा एमेज की। फिलहाल आप देख रहे हैं मॉडिफिकेशन और इसकी पूरी ब्रीफ देते हुए मैं आपका होस्ट पीयूष, और ये नज़दीक से मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी गाड़ी के लुक को एनहेंस करता हुआ और कलर मैचिंग भी सीट की आर्मरेस्ट की पूरे इंटीरियर के अकॉर्डिंग है, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। चाहे इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस करता हुआ। मटेरियल वाइज भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है।
और फाइनल व्यू इतने देर के मोटिवेशन के बाद जो रिजल्ट आया है वो एक फाइनल व्यू आप देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। फिलहाल हम देखेंगे इसके बाद कि जो ओनर है हमारे होंडा मैच के उनकी ओपिनियन क्या है। और ये फाइनल एक व्यू आप देख सकते हैं होंडा न्यू मैच की फुल मोटिवेशन के बाद। अब चलते हैं कस्टमर के फीडबैक की तरफ। और ये हमारे कस्टमर, ठीक है, बढ़िया है, क्या परफॉर्मेंस और हर चीज का क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है। ओके, तो फाइनली आप देख सकते हैं होंडा मैच के मोटिवेशन का काम पूरा हो चुका है गाड़ी घर को जाते हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।